दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वेब फॉर्म की, है ना। वेब फॉर्म एक ड्रूपल का कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है और बहुत यूजफुल मॉड्यूल है। वेब फॉर्म की मदद से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं और उस फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर्म पे लगने वाले सारे ऑपरेशन। अभी फॉर्म पे लगने वाले सारे ऑपरेशन का क्या तात्पर्य है? फॉर्म पे लगने वाले सारे ऑपरेशन से मतलब होता है कि फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद ईमेल किसको जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद पेज रीडायरेक्ट कहाँ पे होएगा, और फॉर्म के सबमिशन को डाउनलोड करना, फॉर्म कौन सबमिट कर रहा है वो यूजर का डेटा रखना पूरा, और फॉर्म सबमिशन और जो फील्ड एपीआई है उसका सपोर्ट फॉर्म के सारे एलिमेंट पे मिले। तो ये सारे काम वेब फॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छे से कर देता है और हमारे बहुत सारे एफर्ट को बचा देता है। क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म को मान लीजिए एक पेज के ऊपर तीन फॉर्म है, अभी तीनों फॉर्म को हम लोग एक ब्लॉक के फॉर्मेट में रेंडर कर सकते हैं। हम लोग एक फॉर्म बना सकते हैं और उस फॉर्म को एज ए ब्लॉक रेंडर करके हम लोग तीनों अलग अलग रीजन में दिखा सकते हैं। तो ये काम वेब फॉर्म आपके लिए कर देता है। और भी वेब फॉर्म के बहुत सारे सपोर्टिंग मॉड्यूल होते हैं। मल्टी स्टेप फॉर्म चाहिए तो वो भी हम लोग वेब फॉर्म से बना सकते हैं। कंडीशनल फील्ड अगर हमको बनानी है तो वो भी हम वेब फॉर्म से कर सकते हैं। अगर हमको वेब फॉर्म पे कोई वैलिडेशन लगाने हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मॉड्यूल अवेलेबल है। तो ये बहुत यूजफुल मॉड्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना देखते हैं। तो इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए कंपोजर, है ना। कंपोजर की मदद से हम लोग इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे रन करना होता है रिक्वायर्ड ड्रूपल वेब फॉर्म, ठीक है। तो कंपोजर में मैं जाऊंगा और यहाँ पर कंपोजर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर, कंपोजर रिक्वायर, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ड्रूपल और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेब फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं वेब फॉर्म को। तो इससे क्या होगा, हमारा वेब फॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। वेब फॉर्म इंस्टॉल हो जाने के बाद हमको एक कमांड और रन करना पड़ेगा वेब फॉर्म इंस्टॉल करने के बाद, और वो होगा हमारा टोकन, है ना। तो टोकन मॉड्यूल भी हमको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग जैसे ही हमारा वेब फॉर्म मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग टोकन मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज होती है ना, जो जैसे वेब फॉर्म हम इंस्टॉल करते हैं तो वेब फॉर्म कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करता है, तो वो लाइब्रेरी भी हमको डाउनलोड करनी होती है। तो पहले हम लोग वेब फॉर्म इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग टोकन इंस्टॉल करेंगे। वेब फॉर्म इंस्टॉल ऑलरेडी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग टोकन इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है वेब फॉर्म का वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। तो ये इंस्टॉल हो रहा है मॉड्यूल। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। फिर हम लोग इसको इनेबल करेंगे, ड्रूपल एडमिन में जाके हम लोग वेब फॉर्म को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेब फॉर्म मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोगों को टोकन मॉड्यूल और इंस्टॉल करना है। तो हम लोग यहाँ पे टोकन मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोकन, तो ये टोकन मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल होगा। तब तक हम लोग चलते हैं वेब फॉर्म ड्रूपल एडमिन से हम लोग लॉग इन करते हैं। ड्रूपल एडमिन में मैं लॉग इन करता हूँ। मैंने ड्रूपल एडमिन में लॉग इन किया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वेब फॉर्म, वेब फॉर्म, वेब फॉर्म मॉड्यूल, यहाँ पे हमारा जो है वो आ जाना चाहिए, राइट। वेब फॉर्म डिस्पेचर टोकन मॉड्यूल है हमारे पास। एक बार मुझे रिफ्रेश करना होगा और एक बार मैं कैसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल हो गए हमारे दोनों मॉड्यूल। तो हम लोग वेब फॉर्म मॉड्यूल को इनेबल करेंगे और वेब फॉर्म मॉड्यूल को इनेबल करने के बाद हम लोग लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे
लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए हमको ड्रस की हेल्प चाहिए, तो हम लोग ड्रस की हेल्प से लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि वेबफॉर्म जो मॉड्यूल है वो हमारा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो मैं पहले वेबफॉर्म और वेबफॉर्म यूआई दोनों को इनेबल कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे वेबफॉर्म, अभी आप देखोगे यहाँ पे तो वेबफॉर्म, वेबफॉर्म एक्सेस, वेबफॉर्म अटैचमेंट, वेबफॉर्म बूटस्ट्रैप, वेबफॉर्म कार्ड्स, वेबफॉर्म क्लाइंट साइड वैलिडेशन, वेबफॉर्म कस्टम ऑप्शन, वेबफॉर्म देवल, ये इतने सारे मॉड्यूल हमारे इंस्टॉल हो गए वेबफॉर्म का पूरा पैकेज। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सिर्फ वेबफॉर्म एक्सेस और वेबफॉर्म एक्सेस और वेबफॉर्म यूआई दोनों मॉड्यूल को मैं इंस्टॉल कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया वेबफॉर्म यूआई को और वेबफॉर्म मॉड्यूल को, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे टोकन मॉड्यूल, भी मेरा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। टोकन मॉड्यूल भी मेरा इंस्टॉल हो गया है और वेबफॉर्म भी मेरा मॉड्यूल जो है इंस्टॉल हो गया है, और इस मॉड्यूल को मैंने इनेबल भी कर दिया। आप यहां पर देखेंगे तो वेबफॉर्म और वेबफॉर्म यूआई दोनों मैंने इनेबल किए। इनेबल करने के बाद अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा लाइब्रेरी को हमको करना है, लाइब्रेरी को हम लोगों को इंस्टॉल करना है। तो हमारा जो वेबफॉर्म मॉड्यूल है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। वेबफॉर्म मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे वेबफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे जब आप लाइब्रेरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने वेबफॉर्म तो कॉन्फ़िग कर लिया, लेकिन हम लोगों ने वेबफॉर्म की लाइब्रेरीज को कॉन्फ़िग नहीं किया है। तो वेबफॉर्म की लाइब्रेरीज को कॉन्फ़िग करने के लिए हमको ड्रस कमांड चाहिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है वैसे, लेकिन हम लोगों को पहले हम लोग डायरेक्ट ड्रस कमांड की हेल्प से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि कंपोजर में इसको ऐड करें तो हम लोग ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर में जाके भी इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे को सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ड्रस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे SSH कनेक्ट करना है, तो मैं DDEV और SSH को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। SSH कनेक्ट हो जाने के बाद में अगर हम लोग ड्रस लिखेंगे तो हमको वो सारे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रस लिखा, ठीक है। तो ड्रस का जो हेल्प सेक्शन होता है उसमें वेब फॉर्म के सारे जो कमांड है, जो ड्रस वेब फॉर्म के कमांड है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने ड्रस यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ड्रस लिखा। तो यहाँ पे जैसे ही ये ड्रस मेनू ओपन होगा तो सारे वेब फॉर्म के जो कमांड है जो हमको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में हमारी हेल्प करेंगे, वो सारे कमांड यहाँ पे जो है वो दिखाई देंगे हमको। तो मैंने यहाँ पे ड्रस ये सारे कमांड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे वेब फॉर्म की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि सारे वेब फॉर्म के कमांड यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे वेब फॉर्म के कमांड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कमांड तो है लेकिन हमको कुछ कमांड रन करने हैं जिससे कि हमारा जो लाइब्रेरी का कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा। तो हम लोग उन कमांड को रन करते हैं जिसमें से हमारा लाइब्रेरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इन कमांड को मैं यहाँ पे पहले मैं नोटपैड पे लिख लेता हूँ सारे कमांड, ठीक है। तो ये हमने चार कमांड है जिनको हमको रन करना है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा ड्रस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज मेक, ठीक है, इसको पहले मेरे को रन करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं गया इंटरफेस पे और मैंने इसको रन किया, ठीक है।
एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और दोबारा से कॉपी करता हूं। यहां पे जाके एड्रेस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज में ये मैंने रन किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये कमांड रन होगा, उसके बाद दूसरा मुझे रन करना पड़ेगा एड्रेस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज कंपोजर और एड्रेस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज डाउनलोड। ये कंपोजर में ऐड करेगा और ये डाउनलोड करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कुछ एरर आई है यहाँ पे, एक सेकेंड हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ये एरर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जनरेट द कंपोजर फाइल ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर, अच्छा ये कमांड जो है अपडेट हो गया है, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें इसकी जरूरत आई थिंक नहीं है। तो यहाँ पे ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर राइट, तो मुझे यहाँ पे ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर, हम लोग ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर रन करके देखते हैं। ड्रस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज कंपोजर ये रन कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया हमने, ठीक है। ड्रस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज कंपोजर, ये कमांड क्या करेगा, जनरेट द कंपोजर डॉट जेसन फाइल यूजिंग दिस एंड एग्जीक्यूट ड्रस वेबफॉर्म लाइब्रेरीज डाउनलोड। तो अब हमको इसके बाद डाउनलोड के लिए कमांड रन करना पड़ेगा और फिर अपडेट के लिए ये कमांड हमको रन करना पड़ेगा। तो ये जो फाइल है वो जनरेट हो गई है राइट, है ना। ये जो फाइल है वो ये वेब फॉर्म, अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, अब बाकी जो है ये वाला कमांड मैं रन कर देता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुझे अपडेट वाला कमांड भी रन करना होगा। तो इस कमांड को मैं कर देता हूं रन, यहां पे इसको मैंने, ये कमांड को मैंने रन किया, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर अपडेट ये रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम लोग, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग, सारी लाइब्रेरी को ये डाउनलोड कर रहा है। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा फिर हम लोग यहाँ पे डाउनलोड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग यहाँ पे जो दूसरे कमांड है वो रन करेंगे, ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर अपडेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टॉलेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वेबफॉर्म इंस्टॉल किया, टोकन मॉड्यूल इंस्टॉल किया, ठीक है, और हम लोगों ने लाइब्रेरी को कॉन्फिग किया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म बना के इस पे आगे काम करेंगे। तो पहले ये हमारा डाउनलोडर जो है वो डाउनलोड रन हो जाए, उसके बाद में हम लोग ड्रस कंपोजर वेब फॉर्म अपडेट चलाएंगे और उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से बनेगा आगे आने वाले वीडियो में। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कमांड रन हो गया, अब हमारा लास्ट कमांड बचता है और वो है ड्रस वेब फॉर्म कंपोजर अपडेट। तो हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रस वेबफॉर्म कंपोजर अपडेट को रन किया, ठीक है। ये हो जाने के बाद हमारा जो लाइब्रेरीज है ये ऑटोमेटिक चेक है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे यूज हो रही है, ठीक है। अभी ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक बार ड्रस का कैसे क्लियर करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज होगा। तो यहां पे मैं कर देता हूं यस, मैंने यस किया, ठीक है। अभी ये जो इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने के बाद सिस्टम हमसे बोल रहा है कि आप कंपोजर अपडेट चलाओ। तो कंपोजर अपडेट हम लोग अगर मेक श्योर टू रन,
लॉक फाइल को रन करने के लिए, फाइल को लॉक करने के लिए इस कमांड को रन करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये चला दिया है पूरा कमांड। अभी एक हम लोग क्या करते हैं, एक बार ड्रस सीआर और कर देते हैं, यहाँ पे ड्रस सीआर कर देते हैं रन हम। तो हम लोगों ने ड्रस सीआर भी रन कर दिया है। तो ये जो वेब फॉर्म है, ये हमारा वेब फॉर्म इंस्टॉल हो गया है और कॉन्फिग भी हो गया है। अब हमको एक कमांड और चाहिए था, टोकन, एक मॉड्यूल और चाहिए था टोकन। तो टोकन मॉड्यूल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है टोकन मॉड्यूल का। अब हम लोग देखेंगे कि वेब फॉर्म हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वेब फॉर्म क्रिएट करना देखेंगे।